दोस्तों, महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र जो उनके बाद मेवाड़ के शासक बने और मेवाड़ के महान शासकों में से एक माने जाते हैं, आज से हम महाराणा अमर सिंह जी की इस प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। मेवाड़ के महान शासक महाराणा अमर सिंह जी के गौरवशाली इतिहास से संबंधित वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, कमेंट में जय राजपूत लिखना ना भूले। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह जी के संघर्ष, बलिदान, वीरता, साहस के साथ न्याय नहीं हुआ। इनके बारे में एक ही बात मशहूर है कि इन्होंने मुगलों के साथ संधि की, बेशक, लेकिन 1615 में, जबकि उन्होंने राज्यभार 1597 में संभाला था। इन 18 वर्षों में महाराणा ने जो संघर्ष किए वह आज कुछ किताबों तक ही सीमित है। निसंदेह महाराणा अमर सिंह एक महान शासक थे। दोस्तों, महाराणा का जन्म 16 मार्च 1559 को हुआ था। इनके मामा राव मामरख पंवार थे। महाराणा अमर सिंह जी के दादाजी महाराणा उदय सिंह जी थे, पिता महाराणा प्रताप सिंह जी और माता महारानी अजब दे पंवार। दोस्तों, अमर सिंह जी के जन्म के विषय में मतभेद है। कहा जाता है कि इनका जन्म मचिंद गाँव में हुआ था, वर्तमान राजसमंद जिले में स्थित है, लेकिन यह तथ्य उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि वहां पर महाराणा प्रताप छापामार युद्धों के दौरान रहे थे। वहां पर महाराणा के महलों के खंडर है, अतः महाराणा अमर सिंह जी का जन्म चित्तौड़ के महलों में ही हुआ था। दोस्तों, महाराणा अमर सिंह जी का संघर्ष 1567 से ही शुरू हो चुका था। चित्तौड़ के तीसरे साके के वक्त महाराणा केवल 8 वर्ष के थे। 1572 में जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, उस समय अमर सिंह जी वहीं थे। 1573 में महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने को जब आमेर के कुंवर मान सिंह उदयपुर आए थे, तो कुंवर अमर सिंह ही उनसे वार्ता करने गए थे। उस समय उनकी उम्र केवल 14 वर्ष थी। 1573 में भगवान दास राणा प्रताप को मनाने गोगुंदा आए, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान दास के साथ कुंवर अमर सिंह जी को शाही दरबार में भेजा था, परंतु अधिकतर इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं। उनका मानना है कि कुंवर अमर सिंह जी ने किसी भी मुगल बादशाह को नहीं देखा। 1576 हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अमर सिंह जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले ही महलों में रनिवास की सुरक्षा का दायित्व उन्हें सौंपा था। उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। 1576 के बाद महाराणा प्रताप के साथ कुंवर अमर सिंह जी ने भी जंगलों में संघर्ष किया। 1580 में जब रहीम महाराणा प्रताप को बंदी बनाने आया था, तो उसने शेरपुरा में अपने परिवार को सेना की एक टुकड़ी के साथ रखा और खुद महाराणा प्रताप के पीछे गया। तब कुंवर अमर सिंह जी ने शेरपुरा पर हमला कर दिया और रहीम की बेगमों को बंदी बना लिया ताकि उसका ध्यान महाराणा प्रताप से हट जाए। उन बेगमों में दो नाम जीनत और आनी बेगम था। महाराणा प्रताप कुंवर अमर सिंह जी को जोरदार फटकार लगाते हुए रहीम की बेगमों को सुरक्षित रहीम तक पहुंचाने का आदेश देते हैं।